मजबूत इरादा व निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसी ही मजबूत इरादा एवं सफलता की कुंजी से प्रेरक एक कहानी लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में नवम ज्योतिर्लिंग जो है बाबा बैजनाथ धाम, जिसको मूल रूप से बाबा बैद्यनाथ धाम है लेकिन बाबा बैजनाथ नाम से जाना जाता है। इसका रहस्य क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन इस श्लोक के बाद। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां बैद्यनाथम च डाकिन्यां भीम शंकरम सेतु बंधे तुरा में सम नागे सम दारुका बने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिलिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैजू की, जो एक चरवाह था, जिसकी कहानी से हमें बहुत कुछ प्रेरक चीजें सीखने को मिलती है। इसके इतिहास की बात करें तो ब्रह्मा के पौत्र एवं पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा की तीन पत्नियां थीं। पहली पत्नी के गर्भ से जो है धनपति लक्ष्मीपति यानी धनपति कुबेर का जन्म होता है। दूसरी पत्नी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है। तीसरी पत्नी के गर्भ से हरिभक्त विभीषण का जन्म होता है। रावण जो था चारों भाइयों में बहुत ही बलशाली था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था और अपने शौर्य को बढ़ाने के लिए अपने अहंकार में इस तरीके से लिप्त हो गया कि वह कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए कि अब बाबा भोले को प्रसन्न करके हम इस संसार में राज करेंगे। तपस्या करते करते जब वह कैलाश पर्वत पर अथक तपस्या किया, उसके बाद भी बाबा भोले उसको दर्शन नहीं देते हैं, तो उसके बाद वह वहां से हटता है और उसके बाद फिर उग्र रूप धारण करके पुनः जाकर के हिमालय पर्वत पर जो है तपस्या में लग जाता है। उसके बाद भी जब भोलेनाथ उसको दर्शन नहीं देते हैं तो वह क्या करता है, अपने जो है नौ शीश कटर, जैसा कि आपको पता होगा दशानन दस शीश थे उसके, तो वो नौ शीश चढ़ा देता है अग्नि में, प्रज्वलित कर देता है, स्वाहा हवन करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे ही दसवां शीश काटता है वैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा जन वहां पर प्रकट होते हैं, उसे दर्शन देते हैं, बोलते हैं बोलो रावण कौन सा वर चाहिए, मांग लो जो मांगना हो। रावण जैसा कि अहंकार में अपने लिप्त था, उसने भगवान से कहा हे भगवान मैं चाहता हूं कि मैं इस संसार में राज करूं, अब संसार में राज करूं इसके लिए आप हमारी कामनाओं को सिद्ध करें और आप चले चले क्या लंकापति यानी लंकापति के दरबार यानी आप हमारी लंका में चले वहीं पर निवास करें। बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब आपको मैंने वर दिया है तो आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि हमारा ये आप लिंग लेकर के जाओ और इस लिंग को आप रास्ते में कहीं मत रखना, यदि आप रास्ते में कहीं रख दोगे तो लिंग तुरंत वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण को वह लिंग दो भागों में कट करके मिलता है, वह उसे कांवर में लेकर के जाता है, लेकिन वो अहंकार में इतना लिप्त था कि भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के लिए उसको लघु शंका लगती है, लेकिन अब अगर वो कहीं रखता तुरंत भगवान वहीं पर स्थापित हो जाते। तो अब उसने एक चरवाह देखा, उस चरवाह से बड़ा ही विनम्र पूर्वक विनती किया कि थोड़ी देर के लिए हमारा इसे ले लेते, हम जो है लघु संख्या से निवृत्त होकर के आ रहे हैं। तो उस चरवाह ने कहा ठीक है मैं दो घड़ी के लिए इसको आपका जो है इसका जो वजन है इसको थामे रहूंगा, लेकिन इसके बाद नहीं आओगे तो मैं रख दूंगा। जब रावण जो है लघु संख्या में निवृत्त हुआ और जो है भगवान की तप के कारण जो है लगातार उसको लघु संख्या समाप्त ही नहीं हो रही थी, तब तक जो है वो क्या करता है चरवाह उसे रख देता है। फिर रावण आता है उसके बाद लिंग को उठाने का प्रयास करता है लेकिन लिंग उससे उठता नहीं, फिर वह जो है उसे छोड़ करके अपनी लंका को चला जाता है। जब उसके बाद जब वो चला जाता है तो बाबा बैजू जो है देखता है कि उस लिंग की सारे देवता आकर के पूजा करने लगते हैं। अब उसको ये नहीं पता था कि ये लिंग है क्या, भगवान है कि कुछ ऐसी चीज है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि ये मैंने लेकर के आया हुआ था। अब वो नित्य प्रतिदिन जब भी जो है कुछ काम करने जाता था यानी भोजन करने से पहले क्या करता था, सोचता था कि एक बार मैं भगवान के दर्शन कराऊं या उस लिंग पर जाकर के इस
स्नान कराता था, उसकी पूजा करके आता, उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो दिन प्रतिदिन जा करके वहां पर वो पूजा करने लगा। एक दिन वो बहुत विटप स्थिति में था, उसके बाद जो है भोजन करने बैठा, जैसे ही भोजन का एक कवर मुंह में डाला, तुरंत भोजन जो है उगल देता है, कहता हाय माई इतनी बड़ी गलती हो गई, अभी तो हमने जो है जिसकी रोज नियमित रूप से मैं पूजा करता हूँ, जिसे जल देता हूँ, जिसको स्नान कराता हूँ, उसको तो मैंने किया ही नहीं, आज ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तुरंत वह भोजन छोड़ करके वहाँ जाता है भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान उसकी इस भाव पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साक्षात माँ जगत जननी जम्बा के साथ उसको प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं बोलो क्या चाहते हो, तो कहता है आपका मैं भक्त बना रहूँ, इसी तरीके से आने वाले समय में लोग जो है इस भक्त परंपरा को याद करें, उसी का मुझे केवल नाम दे दीजिए, इसीलिए उसी के नाम पर आपने देखा होगा बाबा बैजनाथ धाम जो है, जिसको बाबा बैजनाथ के नाम से, यानी उसी बैजू चरवाह के नाम पर, बैजू यानी बैजनाथ को बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी इससे हमें यह मोटिवेशन मिलती है कि लगातार निरंतरता किसी चीज में यदि आप करोगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि एक एक फुट गड्ढा 100 जगह खोदने पर पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि एक एक फुट गड्ढा 100 जगह खोदने से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हम अगर एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोद दें तो पानी नहीं, एक दिन धरातल से इतना जल मिल जाएगा कि आपकी सारी जो भी तृप्त है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मीन्स क्या है साथियों, कि आपका इरादा और आपका विश्वास, आपकी निरंतरता ही आपको सफलता की उस राह तक लेकर के चलती है। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना